In the preparation for this SDG summit, Pakistan has consistently urged for a significant surge in SDG financing. We are glad that the political declaration has endorsed several proposals advanced by Pakistan and other developing countries. कर्जों में जकड़े ममालिक के लिए लायामल तैयार करना होगा। निगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में पायदान तरक्की से मुतालिक मुबाइसे से खिताब। कहा, तरक्की पजीर मुल्कों को तरक्कियाती अहदाफ के हसूल में वसाइल की कमी का सामना है। पायदार तरक्की के लिए यकसम मौक़ ज़रूरी हैं। कमज़ोर ममालिक को वसाइल फराहम करना होंगे। निगरा वजीर आजम की ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी से मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ की सदर जो बाइडन के इशाइये में शिरकत। न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा के जनरल असम्बली का 78वां इजलास। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने खिताब में कहा, आलमी तनाज़ात से 1 बिलियन के करीब आबादी मुतासर हो रही है। चैलेंजेस से निपटने के लिए दुनिया के साथ मिलकर चलना होगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा, आज़ादी इजहार राय के नाम पर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जा रहा है। मगरब में इस्लामोफोबिया के वाकयात इंसानियत के खिलाफ हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, आलमी अमन के लिए ताकत के तवाजुन को दुरुस्त करना होगा। हमें माजी की बड़ी गलतियों से सबक सीखना चाहिए। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान बोले, अमन के क्याम के लिए नई हिकमत अमली और एजेंडे की जरूरत है। यूक्रेन की जंग को मुजाकरात के जरिए हल किया जाना चाहिए। जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइन पर निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की सऊदी वजीर खारजा से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत इलाकाई और आलमी मामलों पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वजीर खारजा की मुत्तहिदा अरब इमारात, डेनमार्क, माल्टा और बेलारूस के वज़राए खारजा से मुलाकातें। ओआईसी की 6 रुकनी कमेटी के इजलास में फलस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान का मौकफ पेश किया। भारतीय दहशतगर्दी से कैनेडा की सरजमीन भी गैर महफूज। सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का इंकशाफ। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का भारत पर सिख रहनुमा के कत्ल का इल्जाम। कहा, इंटेलिजेंस ने हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय हुकूमत के ताल्लुक की निशानदेही की। हरदीप सिंह के कत्ल का मामला G20 कॉन्फ्रेंस में भारतीय वजीर आजम के साथ उठाया था। कैनेडियन सरजमीन पर शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्वस होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। कैनेडा ने खुफिया एजेंसी रॉ के स्टेशन हेड और भारतीय सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। कैनेडियन खुफिया एजेंसी के सरबराह का भारत का हंगामी दौरा। भारतीय हम मनसब को सूरत हाल से आगाह किया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का अमरीका और बरतानिया समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से राबता। भारत ने मुदाखलत का इल्जाम लगाकर सीनियर कैनेडियन सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। कैनेडा में जो कुछ हुआ हमें उस पर हैरत नहीं हुई। कैनेडा के वजीर आजम ने जो इल्जाम लगाया हकीकत होगी। सेक्रेटरी खारजा सारस काजी की पाकिस्तान मिशन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम कार्रवाइयों में मुलव्वस है। हमने भारत का हाजिर सर्विस नेवल अफसर पकड़ा हुआ है। सेक्रेटरी खारजा का कहना था कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 22 सितम्बर को जनरल असम्बली से खिताब में कश्मीर समेत तमाम अहम मसाइल पर बात करेंगे। भारत ने सिख कैनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल किया है, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। इट इज टाइम फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू एक्सेप्ट दैट इंडिया हैज बिकम अ रोग हिंदुत्वा टेररिस्ट स्टेट। बिलावल भुट्टो का आलमी बरादरी से भारत को दहशतगर्द रियासत करार देने का मुतालबा। कहा, वक्त आ गया है आलमी बरादरी भारत को हिंदुत्व दहशतगर्द रियासत मान दे। आलमी बरादरी कब तक भारत का दहशतगर्दाना रवैया बर्दाश्त करती रहेगी? भारत कश्मीर और पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। अब इस नेटो मुल्क को भी दहशतगर्दी का निशाना बना डाला। पाकिस्तान अकलियतों का मेजबान। अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा से आए सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। सिख यात्रियों का गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाने साहब का दौरा। मतरूका वक्त एक इमलाक बोर्ड के हुक्काम ने सिख मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया। गुलदस्ते भी पेश किए।
हमें डेट भी नजर नहीं आ रहा है कि इलेक्शंस कब है। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, मुस्लिम लीग नवाज से है। इलेक्शंस कब होंगे, डेट ऐलान करने के इख्तियार ना एस्टेब्लिशमेंट के पास है ना किसी और के पास है, वो तो इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन की तारीख नजर नहीं आ रही, इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के अलावा किसी के पास नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड चारों सूबों को हासिल होनी चाहिए, बिलावल भुट्टो का मुतालबा। कहा लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा मुस्लिम लीग नून से कर रहे हैं। अभी फील्ड तैयार ही नहीं हुई तो लेवल किस तरह होगी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ कहते हैं पंजाब से मुतालिक पीपल्स पार्टी की बातें सुनी सुनाई हैं। नून लीग का निगरा हुकूमत में कोई अमल दखल नहीं। फवाद हसन फवाद और अहद चीमा का रिश्ता नून लीग से जोड़ना दुरुस्त नहीं। इत्तेहादी हुकूमत में 14 महीने इज्जत से गुजारे, ख्वाहिश है इलेक्शन भी बतौर इत्तेहादी लड़े। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर नून लीग का मीनार पाकिस्तान पर जलसे का फैसला। नवाज शरीफ बजरिया हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान जाएंगे। लीग कायद की एयरपोर्ट पर सिर्फ सीनियर क्यादत को आने की हिदायत। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब के बाद दाता दरबार पर हाजिरी भी देंगे। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ हर बार राख से दोबारा उठे हैं। साजिश करने वाला एक एक किरदार अपने अंजाम को पहुंचा और रुस्वा हुआ। कहा गया नवाज शरीफ ना अहल हो गए और उनकी पार्टी खत्म हो गई। नवाज शरीफ की कामयाबी उनकी नाकामी से बड़ी होती है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जेर सदारत आज अहम इजलास होगा। अदालती उमूर और वकला तंजीमों की तजावीज ली जाएगी। बेंचेस की तश्कील और मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के अराकीन को शिरकत की दावत। जैसा ही कोई वजारत से नौकरी से फारिग हो जाता है तो जाकर कनाडा में जजीरे खरीदते हैं, बर्तानिया में महल्लात खरीदते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला इन चोरों को गले से पकड़कर, इनके गले को मरोड़कर आपका एक एक पैसा इनसे लेकर कौम के खजाने में जमा करूंगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के ऑफिसर रिटायर होकर लंदन और अमेरिका में महल्लात खरीदते हैं। हुकूमत मिली तो करप्ट अफसरों की गर्दन मरोड़ कर उनसे करप्शन का माल निकालेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक का गवर्नर हाउस पेशावर के बाहर धरने से खिताब। कहा कौमी इदारे हुक्मरानों की वजह से खसारे में हैं, आज वो एक अहम ऐलान करेंगे। पाकिस्तान में स्मगल शुदा तेल की फरोख में इजाफा, IMF का इजहार तशवीश। पाकिस्तान में महाना 1,20,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग जारी। IMF ने वजारत खजाना और FBI से रिपोर्ट तलब कर ली। इस स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम की तफसीलात भी मांग ली। IMF का कस्टम एजेंसी एहलकार और फोर्सेज की तादाद बढ़ाने का भी मुतालबा। दो हफ्तों पर मुश्तमिल कसीरुल मुल्क की स्पेशल फोर्सेज की मुश्तरका मशकें जारी। पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और कतर की स्पेशल फोर्सेज शरीक। तुर्की, उज़्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेज भी मशक का हिस्सा हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम उन्नी ने बरूथा गैरेजन का दौरा किया। कच्चे और पक्के के इलाकों में जरायम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दो माह में जरायम पेशा अनासिर का खात्मा हो जाएगा। निगरान वज़ीर दाखला सिंह हारिस नवाज का दावा। कहा हम पर कोई सियासी दबाव नहीं, ऑपरेशन में पुलिस के साथ रेंजर्स और पाक फौज भी हिस्सा लेगी। कोयटा के इलाके कचलाक में नामालूम अफराद की फायरिंग। ANP रहनुमा अरबाब गुलाम मोहम्मद कासी एडवोकेट कत्ल। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची के बाद लाहौर में आशोब जश्न की वबा फैल गई। आंखों में सोजिश और दर्द से दफ्तरी उमूर के अंजाम दही मुश्किल हो गई। माहरीन अमराज जश्न का कहना है कि मरज का शिकार अफराद आंख पर हाथ फेरने से गुरेज करें, टिश्यू के साफ और नरम कपड़े से आंखें साफ करें, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ड्रॉप्स इस्तेमाल करें और ठंडे पानी से आंखें धोते रहें। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान।
محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے متعدد علاقوں میں بھی بادل برسیں گے. میٹھو خاص بدین چندوالا یار میں برسات. لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے نشیب علاقے زیر آب آ گئے. نیشنل ہائی وے اور موٹر وے کے جرمانوں میں 200% اضافہ. تیز رفتاری پر جرمانہ 750 روپے سے بڑھا کر 2500 روپے کر دیا. خراب لائٹس پر 500 کے بجائے 5000 روپے ادا کرنا ہوں گے. قومی ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی اور سابق کپتان شاہد آفریدی کی بیٹی انشا کی شادی کی تقریب. بابر اعظم، مصباح الحق، سعید انور و دیگر کی شرکت ولیمہ 21 ستمبر کو ہوگا. اور آرٹس کونسل کراچی پر پاکستان تھیئٹر فیسٹیول جاری. سعادت سمیت منٹو کے لازوال افسانوں پر مبنی تھیئٹر پلے کون ہے یہ گستاخ نے میلا لوٹ لیا. ڈرامے کے اختتام پر منٹو کو خراج عقیدت.